तो दोस्तों बात चले कि नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है तो क्या पुराने संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा। तो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो नया संसद भवन का निर्माण जिसकी न्यू पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, वह नया संसद भवन बनकर के तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 मई को किया है। और नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहीं पुराने संसद भवन को बनाने में केवल 83 लाख रुपए ही खर्च हुए थे। इस संसद भवन में भव्य संविधान हाल और लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। तो अब बात है कि क्या पुराने संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे एक म्यूजियम की तरह यूज किया जाएगा, जिसमें साधारण लोगों को भी आने जाने के रास्ता खोल दिए जाएंगे, या फिर रिनोवेशन के बाद उसे संसदीय आयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।